देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज जयंती है। आज देश अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री को याद कर रहा है। वहीं प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी को याद कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हमीरपुर में ब्लॉक कांग्रेस ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी को याद करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पटियाल, पूर्व महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता वर्मा, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की तस्वीर पर मालार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता वर्मा ने कहा कि आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी की भारतीय राजनीति में एक अलग ही पहचान थी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के फैसलों ने उन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार कर दिया है और उनकी प्रतिभा और राजनीतिक दृढ़ता के लिए आज भी विश्व भर में जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने जो देश के लिए किया उसे भुलाया नहीं जा सकता और उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और साहसिक फैसले लिए जिसके कारण देश को आर्थिक मोर्चे पर मजबूत बनाया। आज इंदिरा गांधी जो हमारी एक बड़ी महिला सशक्त प्रधानमंत्री थी हिंदुस्तान की, उनका 133 वर्ष उनके आज जन्मदिन के हुए हैं, उसको हम यहाँ पे मनाने के लिए आए हुए हैं। और हम उनको इसलिए नहीं भूल सकते क्योंकि उन्होंने बहुत ही हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए बड़े ठोस कदम उठाए थे, जिसमें एक प्रिवी पर्सेस को उन्होंने रजवाड़ों से लेकर नेशनलाइज बैंक खोले थे और गरीबों को पेंशन से ज़मीनें, कई ऐसे कार्य किए हुए हैं कि आज लोग उनको नहीं भूल सकते। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब जब कांग्रेस आई है उन्होंने ही अलग अलग क्रांतियाँ इस पूरे हिंदुस्तान में लाई हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने हर क्रांति और श्वेत क्रांति लाए थे, वैसे ही इंदिरा जी एक अलग सा एक लहर लेके आई थी जिसे लोग कहते थे कि आंधी नहीं इंदिरा गांधी है, और राजीव जी एक आईटी की क्रांति लेके आए थे। तो आज मैं समझती हूँ कि हमें ऐसी महिला को याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे एक प्रेरणा स्रोत हैं और इनको हम आज यहाँ पर उनकी जो जन्मदिन है उसको मनाने के लिए बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी यहाँ पर इकट्ठी हुई है। कहूँगी कि लोग तो कहते हैं कि कांग्रेस में कोई दरार है, पर जितनी बड़ी दरार